रामचेत आखिर कौन है और क्या है उनकी कहानी। सुल्तानपुर में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुर्खियों में आए मोची रामचेत की हालत बेहद दयनीय है। जूता चप्पल की मरम्मत कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले रामचेत और उसके परिवार को अब तक ज़्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ न के बराबर मिला है। ऐसे में राहुल से मुलाकात के बाद क्या अब रामचेत के दिन बहुरेंगे, इसका सभी को इंतज़ार था। इनसे मिलिए, यह है रामचेत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कुरेभार थाना क्षेत्र के विधायक नगर चौराहे पर जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले रामचेत्र शुक्रवार को उस समय पूरे देश में सुर्खियों में आ गए जब मानहानि के मामले में कोर्ट में पेशी पर सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी का काफिला अचानक उनकी छोटी सी गुमती पर रुक गया। करीब आधे घंटे तक इनकी गुमती पर रुके राहुल गांधी को न सिर्फ रामचेत से परिवार का हालचाल भी लिया बल्कि तमाम विषयों पर बातचीत की। साथ ही रामचेत से चप्पल और जूता बनाने की शिक्षा भी ली। वहीं अवध की माटी के रहने वाले रामचेत ने भी अपनी गरीबी के बावजूद राहुल गांधी को अपने पैसों से कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उनका स्वागत सत्कार भी किया। राहुल गांधी के जाने के बाद अब स्थानीय लोगों की निगाहों में रामचेत हीरो बन गया है। तमाम चैनलों पर रामचेत और राहुल गांधी की दरियादिली की खबरें चल रही हैं, लेकिन वो हकीकत कोई नहीं देखना चाहता है कि रामचेत कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। आइए आपको वो हकीकत दिखाते हैं जिसकी हकीकत न राहुल गांधी जानते हैं और न यूपी सरकार जानती है। ऐसे में रामचेत की वर्तमान स्थिति भी जिला प्रशासन के मुँह ऐसे में रामचेत की वर्तमान स्थिति भी जिला प्रशासन के मुंह पर वो तमाचा है जो फाइलों में ऑल इज वेल दिखाकर शासन प्रशासन ने वाहवाही लूटते हैं। ये नज़ारा है कुरेभार ब्लॉक के ठिसरुआ गांव का। इसी गांव के रहने वाले रामचेत की दयनीय हालत देखकर आप दंग रह जाएंगे। कहने को केंद्र और प्रदेश सरकार ऐसे गरीबों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है, लेकिन हकीकत में ऐसी योजनाएँ धरातल पर पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, रामचेत इससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। इनके दो बेटे हैं, एक तो यही साथ रहता है जबकि दूसरा अपनी माली हालत सुधारने के लिए अपना पूरा परिवार लेकर प्रदेश चला गया है। रामचेत इसी झोपड़ी में मकान में किसी तरह से रहकर सर्दी गर्मी और बरसात में जीवन अपना व्यतीत करते हैं, लेकिन आज तक कोई सरकारी योजना का लाभ नसीब नहीं हुआ। बेटे को एक कॉलोनी मिली है, वो अपने परिवार के साथ रहता है। राशन कार्ड में नाम था, 5 किलो राशन भी फ्री मिलता था, लेकिन 2 साल वो भी कट गया। बिजली पानी गैस तो उसके लिए सपना ही रह गया। वैसे तो गांव के लोगों और गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, कागजों में ग्राम प्रधान ने गांव को चमन कर दिया होगा, लेकिन अभी तक रामचेत का विकास क्यों नहीं हुआ, उनसे सवाल हुआ तो वे अपने नया नवेला प्रधान बता रहे हैं। वैसे करीब 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, चहेतों को लाभ भी मिल गया होगा, लेकिन रामचेत जैसे लोग अभी भी विकास से कोसों दूर हैं। वहीं राहुल गांधी ने रामचेत से मिलने पर ग्रामीणों में खुशी तो है, तो लोग राहुल गांधी की तारीफ भी करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन रामचेत समेत गाँव के गरीबों की स्थिति देख कर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी माने तो राहुल गांधी आए गरीब का कोल्ड ड्रिंक पिए और या बटोर कर चलते बने, अब कौन इसकी सुध लेगा। बहरहाल गरीबों को योजनाएं न मिलने के पीछे वे यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी और नेता जिम्मेदार हैं। अगर वहीं सही रहते तो रामचेत जैसे लोगों को झोपड़ी में सोने को मजबूर न होना पड़ता, लेकिन सुल्तानपुर आए और राहुल गांधी ने मोची रामचेत से मुलाकात करने के बाद उनको एक मशीन मुहैया करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस।